हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है ब्रिंजल फ्राई। इसको बनाना बहुत आसान है, झटपट हो जाएगा। मैं यहाँ पे बड़ा बैंगन लिया है, इसको 1 इंच में काटा है। देखिए, आपको देखे तो मालूम हो जाएगा 1 इंच में काटा है मैं इन सभी को। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसे भी थोड़ा मोटा काट सकते हैं, मगर फ्राई चटपट होना बोले तो ये साइज़ में काटे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे 1 पाव चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और मैं यहाँ पे जीरा, धनिया और काली मिर्च को तीनों को मिक्स करके पाउडर बना लिया है, वो 2 चम्मच ले रही हूँ। एक पाव चम्मच मिर्ची पाउडर भी डाल रही हूँ। काली मिर्च पाउडर लिया है इसलिए मैं 1 पाव चम्मच ले रही हूँ। अगर आप लोगों को काली मिर्च नहीं चाहिए तो पूरा लाल मिर्ची ले सकते हैं। 1 पाव चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पाव चम्मच गरम मसाला पाउडर। इस मसाले को पूरन को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। हाथ से मिक्स करना है, स्पून से मिक्स करें तो मिक्स नहीं होएगा, इसलिए हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करिए। इसको पूरे पीसेस को अच्छा मसाला पकड़े तक मिक्स करना है। मेरे को यहाँ मिक्स करने के लिए 2 मिनट लगा है। अच्छा सा मिक्स हो गए हैं, देखिए पूरा मसाला पीसेस को अच्छा पकड़ लिया है। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट तक साइड में रख देते हैं ताकि मसाले इसको अच्छा पकड़ सके। देखिए मसाला तो बहुत अच्छा पकड़ चुका है, मसालों का सब खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, मसाला अच्छा पकड़ चुका है। अभी हम तवा लगा लेते हैं। तवा लगा के यहाँ पे अब ज़्यादा तेल डालना नहीं है, ये पैन फ्राई है इसलिए मैं 1 ही स्पून का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल तो गर्म हो चुका है, पैन में जितना पीसेस आते हैं उतना पीसेस लगा के हम ज़्यादा देर नहीं जलाना है, जस्ट शैलो फ्राई है। आलू और बैंगन जल्दी से पक जाता है हमेशा, इसलिए हम लो फ्लेम में इसको फ्राई कर लेते हैं। 10 से 15 सेकंड फ्राई करें तो बस है, दूसरा साइड भी टर्न कर लेते हैं। इसे रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप लोग शाम में बनाए तो टी कॉफ़ी के साथ भी स्नैक के जैसा खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट रहेगा। अभी हम इसको दूसरे साइड में भी पलटा के जलाते हैं। ज़्यादा देर नहीं रखना है, 10 से 15 सेकंड ही मैं लो फ्लेम में ही लगाया इसको। फ्राई हो चुका है, अभी मैं प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मैं 15 सेकंड सोचा था मगर 10 सेकंड में ये फ्राई हो चुके हैं, वो भी लो फ्लेम में। देखिए दोस्तों, मैं प्लेट में निकाल चुकी हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है देखने में। आप लोगों को भी मुंह में पानी आ रहा है। अभी मैं भी इसको एक बार टेस्ट करूँगी, टेस्ट करके बताऊँगी कैसा बना है। इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, उतना क्रंची भी नहीं है, नरम भी नहीं है, बराबर है। अगर आप लोगों को मेरा रेसिपी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना भूलिए मत। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके नोटिफिकेशन आए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों। ब्रिंजल फ्राई एंजॉय कीजिए।